नमस्ते इंडिया एंड टू ऑल माय व्यूअर्स, कैसे आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो सेशन में, जिसका आज मैं जो आज टॉपिक है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो है मारुति वैगनार की कंपैरिजन, जो अभी लॉन्च हुई है मारुति सुजुकी वैगनार 2019, उसका कंपैरिजन है रेनॉल्ट क्विड 2019, जो कि अपग्रेडेड क्विड है, जो कि अभी मार्केट में लॉन्च हुई है कल परसों रिसेंटली उसको लॉन्च किया गया है, रेनॉल्ट इंडिया ने लॉन्च कर दिया है। उसके कुछ सेफ्टी फीचर्स के साथ अपग्रेडेशन मिला है एंड कुछ उसके यूटिलिटी फीचर्स भी इसमें कुछ एड ऑन किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कंपैरिजन वीडियो ऑफ मारुति सुजुकी वैगनार विद रेनॉल्ट क्विड 2019। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, और अगर कुछ भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, मैं आपको आंसर हमेशा ज़रूर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अगेन नया ब्लॉग। तो चलिए बात करते हैं मारुति वैगनार और रेनॉल्ट क्विड के बीच की डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है। देखिए, सिमिलैरिटी ये है कि वो एक दोनों ही इस सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं, जो कि स्मॉल हैचबैक सेगमेंट की है, और दोनों ही काफ़ी टाइम से मार्केट में है। वैगनार तो गाड़ी भी बहुत ज़्यादा टाइम से है, लेकिन 20 साल से वैगनार मार्केट में है। रेनॉल्ट 3 साल से मार्केट में लेके आ चुकी है क्विड को, और अब उसको जो अपग्रेडेशन मिला था 2018 में कुछ फीचर्स के साथ, कुछ थोड़े बहुत कुछ माइनर ट्विक्स हुए थे, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ कंपनी का फायदा हुआ भी नहीं। रेनॉल्ट से क्विड के जो सेल्स और डिक्लाइन होने शुरू हो गए, बट अब जो ये अपग्रेडेशन लिया है अकॉर्डिंग टू द भारत न्यू व्हीकल सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम एंड BS6 एमिशन नॉर्म्स जो आने वाले, उसके हिसाब से जो न्यू सेफ्टी नॉर्म्स के तहत अब क्विड में आपको ड्राइवर एयरबैग स्पीड अलर्ट सिस्टम, जो कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था क्विड के बारे में, वो सब आपको मिलेगा। उसका मैं एक फोटो शायद दिख रहा होगा आपको पीछे, तो वो आप जरूर देखिएगा, एंड उसके बारे में सारा डिटेल मैंने निकाल के रखा है। एंड वैगनार के बारे में बात करूँ तो वैगनार में ऑल द थिंग्स आर स्टैंडर्डाइज फ्रॉम दिस ईयर ओनली, एंड इट्स मैंडेटरी ऑल्सो, ये मैंडेटरी कर दिया जाएगा इसी साल से, और हर कार कंपनी को अब ये मैंडेटरी करना पड़ रहा है कि आपको सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान देना है फॉर द कस्टमर्स वो बाइंग देयर कार्स फ्रॉम देयर डीलरशिप्स। सो आपको अब मैं बात कर रहा हूँ वैगनार और इसमें क्या डिफरेंस है। वैगनार ये तो हो गई सिमिलैरिटी, चलो ये दोनों स्मॉल हैचबैक सेगमेंट की गाड़ी है, अब दोनों के जो प्राइसिंग है वो भी काफ़ी आसपास ही है, लेकिन वैगनार थोड़ी सी महंगी पड़ती है बिकॉज उसके जो प्राइसिंग चीज़ें हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, बिकॉज उसका हाईटेक प्लेटफॉर्म है, लाइट वेट चैसी है, बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी मिलेगी, स्लाइटली बेटर बिकॉज इट्स अ मारुति ब्रांड, मारुति सुजुकी, सो स्लाइटली बेटर फ्रॉम रेनॉल्ट, बट रेनॉल्ट भी कहीं हद तक पीछे नहीं है। लेकिन अब रेनॉल्ट को बहुत बड़ी चुनौती है कि वो अपनी गाड़ियों को वेल प्रोपोर्शनेट तरीके से सेल करे। एंड अब उसका जो मेन डिफरेंस है बताता हूँ, वैगनार में ड्राइवर एयरबैग स्पीड अलर्ट सिस्टम सीट बेल्ट रिमाइंडर पैसेंजर एंड ड्राइवर एंड को पैसेंजर सब कुछ मिलता है आपको, पार्किंग सेंसर स्टैंडर्डाइज कर दिया गया विद ABS प्लस EBD, एंड जो क्विड है उसमें भी अब ABS मिला है, EBD का मुझे शायद अंदाज़ा नहीं है, पर शायद दे दिया गया है EBD भी, शायद मैंने पिछले वीडियो में डालना भूल गया था, मैंने अंदाज़ा लगाया था कि EBD शायद आएगी, लेकिन अब जो है कन्फर्म हो गया कि EBD भी आ रहा है, ABS विद EBD, एंड आपको ड्राइवर एयरबैग फ्रॉम द बेस वेरिएंट टू द टॉप वेरिएंट आपको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया, स्पीड अलर्ट सिस्टम मिलता है, पार्किंग सेंसर आपको स्टैंडर्डाइज मिलती है, सीट बेल्ट रिमाइंडर मिलता है, प्री टेंशन फोर्स लिमिटर आपको सब कुछ मिलेगा, एंड काफ़ी अच्छी अभी फीचर रिच हो गई है क्विड भी, और क्विड के जो मेन सेलिंग पॉइंट रहा है वो उसके सबसे ज़्यादा पहले था कि वो मिनी हैचबैक वाले सेगमेंट में था पहले तो, और उसको सबसे ज़्यादा पसंद क्यों किया जाता बिकॉज ऑफ डिज़ाइन में फर्स्ट इन सेगमेंट उसका टच स्क्रीन रहा था, वो काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट किया था उस वक्त में 3 साल पहले में, क्योंकि उस सेगमेंट में कोई भी गाड़ी में टच स्क्रीन आता नहीं था फिलहाल, लेकिन अब जो है वैगनार भी उसको कॉम्पिटिशन दे दी है, वैगनार में भी टच स्क्रीन आता है, एंड्रॉइड ड्राइवर का प्ले सब कुछ आपको कंपैटिबल मिलता है। लेकिन जब बात आती है इसकी सेलिंग पॉइंट की, वो है वैगनार एक मारुति का प्रोडक्ट है, क्विड एक रेनॉल्ट का प्रोडक्ट है, हालांकि दोनों ही गाड़ियों की सेल्स काफ़ी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब है क्विड की या वैगनार की बहुत अच्छी, ऐसा नहीं है, लेकिन मारुति का जो 50% जो मार्केटिंग सेल्स है वो बहुत बड़ा प्रॉफिट गेम चेंजर है, और रेनॉल्ट के पास इतना ज़्यादा कोई अनुभव अभी है नहीं, भी मारुति के जो इंजन है वो सर्वश्रेष्ठ इंजनों में एक है, सर्वश्रेष्ठ जो मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंजन में से एक है। तो जो आप क्विड की बात करते हो उसके इंजन अभी भी छोटे मोटे बिगाड़ पाए जाते हैं, यही सबसे बड़ी वजह है लोग क्विड की तरफ ज़्यादा ना जाके Hyundai या मारुति की तरफ जा जाते हैं, इवन Tiago की तरफ भी लोग अब थोड़ा सा रुख बदल रहे हैं अपना, जैसे जैसे Tiago जैसे जैसे मारुति Hyundai की गाड़ी में डिज़ाइन देख चुके, तो Tiago को भी एक ऐसा ऑप्शन रखा हुआ है लोगों ने अपने दिमाग में।
तो बात हुई, अब मैं इसके फीचर्स गिनवा देता हूँ। देखिए अलग अलग क्या है दोनों में, अब दोनों में सिमिलरिटी मैं बता देता हूँ। टच स्क्रीन दोनों में आती है, एंड्रॉइड लैपटॉप जो कमी रेनॉल्ट क्विड में थी वो सब पूरी कर दी गई है। सबसे बड़ी जो डिफरेंस है वो है रेनॉल्ट की ड्राइविंग डायनेमिक्स, क्विड की ड्राइविंग डायनेमिक्स वैगनर की। वैगनर बॉडी रोल बहुत होती है अभी भी, इवन ऑन द हार्ड टेक प्लेटफॉर्म एज वेल, उसकी जो बॉडी रोल कंटेंट है अभी भी कुछ हद तक कम किया गया है, बट इतना नहीं है कि वो हमेशा स्लाइटली बिल्कुल ही, जो होता है ना सस्पेंशन भी एक तो उसका बॉस टिप कर दिया गया है हाइट ज़्यादा होने से, तो उस वजह से वो अभी भी बॉडी रोल के चक्कर में फंसी हुई है। हालांकि क्विड में ये सब चीज़ें नहीं है, क्विड में अभी भी अच्छी ड्राइविंग डायनेमिक्स है, स्टेयरिंग काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्सिव है, और क्विड हालांकि वैगनर से हल्की है, वैगनर भी हर टक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है लाइट वेट प्लेटफॉर्म है, लेकिन क्विड उससे भी हल्की है, तो क्विड ज़्यादा पिकअप के मामले में आगे निकल जाती है। क्विड का डिज़ाइन आपको स्मॉल हैचबैक में ही एक एसयूवी लुक दे देता है, जबकि वैगनर आपको थोड़ा सा ज़्यादा बॉक्सी लगता है, लेकिन पहले जो जनरेशन होती थी वैगनर की अभी बंद हुई है उससे ये काफ़ी अच्छी लग रही है। प्रिटी नीट डिज़ाइन है, चाहे वो फ्रंट हो और रियर हो, उसकी जो रियर के हेडलाइट हो, टेल लैम्प्स है फ्रंट में, हेडलैम्प्स है, साइडवेज डिज़ाइन है फ्लोटिंग रूफ के साथ, वो थोड़ा सा अच्छा लगता है। इवन द इंटीरियर क्वालिटी पे भी बहुत काम किया गया, मारुति ने इवन इंटीरियर क्वालिटी पे भी बहुत ज़्यादा काम किया है, और उसका जो इंटीरियर क्वालिटी पहले आता था, हालांकि कुछ चीज़ें हटा दी गई है, कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर दी गई है, बट पहले से ज़्यादा मच इम्प्रूव लगता है इसकी इंटीरियर क्वालिटी। रेनॉल्ट क्विड ने भी अपनी दो चार चीज़ें थोड़ी बहुत इंप्रूव की थी इंटीरियर क्वालिटी में, जो पिछले साल उसको एक थोड़ा सा अपग्रेडेशन एक फेसलिफ्ट मिला था, बट वो ज़्यादा इतना मतलब प्रोपोर्शनेट नहीं था, बट अभी भी इट लुक्स ओके, इट लुक्स प्रिटी डिसेंट। बात करते हैं इसके इंजन ऑप्शन की, मारुति के पास भी AMT है, रेनॉल्ट के पास भी AMT है, 1 लीटर AMT है, एंड 800 cc वाला भी जो इंजन है क्विड के पास वो भी अवेलेबल है। दोनों ही आई थिंक अभी BS6 एमिशन के स्टैंडर्ड के हिसाब से कंप्लाइन किए जाएंगे जल्दी। एंड मारुति के पास जो इंजन है वो 1.1 लीटर वाला इंजन रिटेन किया गया, 1.2 लीटर का नया इंजन दिया गया जो कि AMT एंड मैनुअल दोनों के साथ अवेलेबल है। CNG का अभी कुछ पता नहीं चला, बट अभी से नॉर्मल गाड़ी आई है मैनुअल एंड पेट्रोल में ही मिलती है, डीजल का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है ना क्विड में ना वैगनर में, तो ये सब भूल जाइए क्या। हालांकि जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है चाहे वो क्विड में हो वैगनर में, दोनों में अलग अलग है। रेनॉल्ट में एक AMT डायल दिया हुआ है जो कि डायल चेंज करने पे आप उसका मोड से सेलेक्ट कर सकते हो, हालांकि जो मारुति में वो टिप्टॉनिक वाला है, एक मैनुअल मोड में शिफ्ट कर सकते हो, एक ऑटोमेटिक में भी चला सकते हो, तो वो एक बेनिफिशियल ज़्यादा है। और मारुति का जो AMT है वो ज़्यादा झटके नहीं लेते जैसे कि क्विड में लेते हैं, लेकिन क्विड का भी काफ़ी हद तक स्मूथ है, जब वो आपको गियरिंग गाड़ी पकड़ लेती है ना, स्पीड पकड़ लेती है, तब क्विड का गियर बॉक्स काफ़ी रिस्पॉन्सिव रहता है और काफ़ी अच्छा लगता है। एंड क्राउन फंक्शन भी आता है क्विड में, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। एंड बूट स्पेस के मामले में जो क्या बोलते हैं प्रैक्टिकलिटी के मामले में, पहले वैगनर बहुत ख़राब थी, अब बहुत अच्छी कर दी गई है। 60-40 रियर फोल्ड स्प्लिट सीट्स आती है, 342 लीटर्स की बूट स्पेस, फ्रंट में बॉटल होल्डर्स, रियर में बॉटल होल्डर, ठीक है, फ्रंट कप होल्डर्स बीच में जो आपके आते हैं, एंड क्विड में भी फ्रंट डोर्स में आपको बॉटल रखने की जगह है, और बूट स्पेस उसका 300 लीटर गैप है, यानी कि बराबर की टक्कर दोनों की, और अलावा भी अभी भी नहीं आते वैगनर में ना क्विड में आते। हाँ ऑप्शन आप चाहे बाहर मार्केट से आप लोग मार्केट लगवा सकते हो, बट कंपनी फिट इवन अभी भी नहीं मिलता है। दोनों ही फ्रंट लुक देखिए बहुत अलग है, डिफरेंट है, चाहे वो वैगनर के हो चाहे क्विड के हो, क्विड के थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव एंड स्पोर्टी लुक देते, हालांकि वैगनर का थोड़ा सिंपल एंड सटल बॉक्सी लुक अभी भी रिटेन किया गया है। जो इंटीरियर क्वालिटी क्विड की है वो थोड़ी सी अभी भी अच्छी की जा सकती थी, बट कंपनी ने उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस ना करके अपनी बाकी कुछ चीज़ों पर, बाकी जो चीज़ें थी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें थी उनके ऊपर ज़्यादा फोकस दिया, एंड मोर ओवर नतीजा कुछ हद तक ठीक ही निकलेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि रेनॉल्ट क्विड की जो सेल है वो थोड़े बहुत अपलिफ्ट हो, एंड आई विश रेनॉल्ट भी वापसी कर सके, क्योंकि काफ़ी टाइम से रेनॉल्ट क्विड चर्चा में नहीं थी, अब क्योंकि डस्टर आने वाली है उनकी, नई जनरेशन डस्टर आने वाली है 2019 में, इसी साल आने वाली है अगस्त में, बट उसके वेट करें तब तक, और रेनॉल्ट की और भी शायद नई गाड़ियाँ आने वाली है, एंड MPV बेस्ड आने वाली है, रेनॉल्ट क्विड की जो प्लेटफॉर्म पे बेस्ड एक MPV आने वाली है, तो चलिए उसके भी वेट करते हैं। बट अभी जो फाइनली था, अब मैं बताता हूँ इसके क्या बोलते हैं वैगनर की प्राइसिंग, मैं आपको बताता हूँ, पहले क्विड के तो मैं उस दिन बता चुका हूँ, वैगनर की बताता हूँ। जो बेस रेंज शुरू होता है 4.19 लैक्स या 4.20 लैक्स, यानी 4,20,000 से शुरू होती है LXi, एंड द टॉप मॉडल दोस्त टू अराउंड 5.32 लैक्स और एक शोरूम प्राइसिंग है ये फॉर द मैनुअल मॉडल। AMT जाओगे तो कम से कम आपको थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा,
मोस्ट प्रोबेबली 65.70 लाख या 5.68 लाख एक्चुअल प्राइस है और एएमटी 1.2 लीटर वर्जन वैगनर का क्विड का जो है वो सस्ता ही है, अभी भी वैगनर से काफ़ी हद तक सस्ता है। तो मैं ये मानता हूँ कि क्विड इस रेस में, आज के हमारे जो कंपेरिजन रेस में क्विड बाजी मार लेगी ऐसा मैं सोच रहा था, लेकिन लेकिन जो मारती है जो ब्रांड डीलरशिप है वो उसी के साथ कभी भी टक्कर कर ही नहीं पाती है, और हमेशा इसी वजह से उसका एक मेन रीज़न है वो पिछड़ती भी जा रही है। हालांकि टियागो उसके सेगमेंट में ऊपर आती जा रही है, इसी एक कारण है कि मैं चाहता हूँ कि क्विड पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, उसकी इंटीरियर क्वालिटी और उसकी बिल्ड क्वालिटी पर थोड़ा अच्छी तरह ध्यान दिया जाए। ये मेरी गुजारिश है रेनॉल्ट इंडिया से कि आप उसकी थोड़ी सी इंटीरियर क्वालिटी चेंज कीजिए, उसके डायमेंशन में थोड़ा चेंजेस लाइए, कुछ एड ऑन फीचर्स दीजिए ताकि वो इस टक्कर की गाड़ियों को एक नया एक मुकाबला दे सके। और उसके जो ये वैगनर की जो पहले इंटीरियर्स थे बहुत हमें शिकायतें थी, बहुत सस्ते मध्य, अभी भी हार्ड प्लास्टिक आता है लेकिन जो उसका टेक्सचर है और उसका जो फील है मटेरियल्स का वो काफ़ी हद तक मच इम्प्रूव्ड हो गया है। रेनॉल्ट क्विड का ऑल ब्लैक आता है लेकिन वो बहुत सस्ता चीप लगता है, हालांकि गाड़ी सस्ती है लेकिन अच्छी है, लेकिन जो इंटीरियर क्वालिटी कुछ हद तक थोड़ा सा अच्छा दे सकते थे। ऑल ब्लैक भी बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल आते हैं तो वो दे सकते थे, तो वो नहीं दिए कंपनी ने, वो थोड़ी सी मुझे कॉन है एक तरीके से समझे, एक वो सबसे बड़ा कॉन वही है रेनॉल्ट क्विड में। और आज का ये तो मेरा हो गया पूरा कंपेरिजन, तो चलिए आज के फाइनल वर्डिक्ट में बता दूँ कौन सी विजेता है। मेरे नज़र में मैं सोच रहा था क्विड जीतेगी, लेकिन हुआ क्या, वैगनर ही अभी भी स्टिल वैगनर विल बी द विनर। इस आज के कंपेरिजन में वैगनर विनर है, और जैसे उस दिन मैंने टियागो को किया था तो टियागो विनर निकली थी, आज मैं वैगनर को विनर घोषित करता हूँ। एंड वैगनर का मेन रीज़न है रिलायबिलिटी एंड इंजन, नया इंजन है, बड़ा इंजन है, ग्राउंड क्विड से भी बड़ा इंजन है। AMT उसका बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ एंड रिस्पॉन्सिव AMT है, बहुत विश्वस्तरीय इंजन स्पेस ज़्यादा 1.2 लीटर की सीरीज इंजन एंड बिगर बूट स्पेस दैन रेनॉल्ट क्विड 342 वेयर एज द रेनॉल्ट क्विड इज हैविंग 300 लीटर एंड न्यू डिजाइंस, बिगर लेग रूम, हेड रूम, अ मच एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्पेस इन द कैबिन एरिया, फीचर लोडेड वैगनर एंड बेस्ट प्राइसिंग एंड आफ्टर सेल सर्विस इट कैन नॉट बी गोइंग टू टच द मारुति डीलरशिप। एंड जो अगर आप उसको रीसेल वैल्यू में भी अगर बेचने जाओगे तो वैगनर आपको क्विड से ज़्यादा ही अच्छा वैल्यू देके जाएगी, बिकॉज उसका जो विश्वास है 20 साल से वो इंडियन कस्टमर्स के एक जहन में बैठ सके है, और रेनॉल्ट के जो अभी तक का फीडबैक रहा है कस्टमर्स का वो ज़्यादा कुछ अच्छा रहा नहीं है, तो इस वजह से रेनॉल्ट थोड़ी सी मुझे भी अभी भी थोड़ी सी अंडरस्टेटेड लगती है, बिकॉज इतने फीचर जुड़ने के बाद भी रेनॉल्ट क्विड में अभी भी वो बात नहीं आ रही, वो खासपन नहीं आता जो आपको वैगनर देख के मिलती है, टियागो देख के मिलती है, इवन आपको सेंट्रो देख के भी मिलती है, बट रेनॉल्ट क्विड में स्टिल इट डजंट गुड, इट डजंट लुक गुड विद द इंटीरियर क्वालिटी। आई डोंट फील इट्स अ मच बेटर पैकेज, बाकी सब चीज़ अच्छी है लेकिन रेनॉल्ट क्विड में थोड़ी और अपग्रेडेशन की ज़रूरत है अगर कंपनी को अगर ऐसे लेवल की गाड़ियों के साथ टक्कर करानी है। तो आज का जो विजेता है वो है मारुति सुजुकी वैगनर 2019। चलिए ये था आज का पूरा एक कंपैरिजन वीडियो, आई होप आप सबको बहुत बहुत पसंद आया होगा, और ऐसी ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए मुझे मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑटो क्विज़ विद ऑटो न्यूज़। एंड मैं क्वेश्चन छोड़ दूंगा तो उसमें वीडियो के पोलिंग क्वेश्चन छोड़ दूंगा, उसको ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए और मुझे बताइए आपका ओपिनियन क्या है एंड क्या आप ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते, उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए तो मुझे पता चल जाएगा और मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए और लेते रहूँगा। तो चलिए बस बहुत बहुत धन्यवाद, आज के वीडियो में इसी चीज़ बंद करता हूँ, और ज़्यादा से कहना चाहूँगा अगर आप फोर व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट पहन के चलाइए, और अपने कोर पैसेंजर को भी बोलिए कि सीट बेल्ट पहन के चलाइए क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। एंड अगर आप टू व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहन के चलाइए, बिकॉज वैसे भी सेफ्टी पर ध्यान देना पड़ेगा भाई, अब स्ट्रिक्ट हो रहे रूल्स, तो चलिए अब शुरू हो जाइए, सेफ्टी पर ध्यान दीजिए और अपनी जान भी बचाइए और दूसरों की जान के साथ ही मत खेलिए। इसी के साथ आज की वीडियो यही याद करता हूँ, जय हिंद, नमस्कार।